हेलो एवरीवन, दिस इज एसपी। स्वागत है आपका एमएस सेट मार्च 2021 के पेपर सॉल्यूशन के एक और सेशन में। सो आई होप प्रीवियस सेशन आपने चेक किया एंड यू लाइक दैट वन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू द कमेंट बॉक्स, थ्रू द मोबाइल नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। तो आप किससे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑफ सेट 2021। दिस इज माई ब्रीफ प्रोफाइल। आई होप टिल नाउ यू आर नो नोइंग मी। इफ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दिस सेशन। एंड डाउनलोड दिस ऐप और ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन एज वेल। करेक्ट? सो यस, दिस इज माई ऐप दैट इज रश्मि एट द रेट जैरक्रू एंड अवेलेबल एट द प्ले स्टोर। एंड दीज आर माई टेलीग्राम चैनल दैट यू कैन ज्वाइन फॉर द एम एस सेट एग्जामिनेशन एंड रश्मि जे आर एफ गुरु दैट यू कैन ज्वाइन फॉर द नेट प्रिपरेशन और अदर सेट एग्जाम प्रिपरेशन। एंड दिस इज माई मोबाइल नंबर वेयर यू कैन कनेक्ट मी विद मी एनी टाइम। सो प्लीज सेशन को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव वन मोर सेशन ऑन एम एस सेट 2021। तो यदि आप ये सेशन देख रहे हैं, यदि आप आज के सेशन में प्रेजेंट हैं, मींस यू आर गेटिंग समथिंग हियर, है ना। तो चलिए नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। एंड द सिंटेक्स ऑफ एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। तो यदि हम सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली होते क्या है। अ टेबल गिविंग द एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, अ ग्रामर फॉर द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आर ऑलवेज टू बी रिटन इन फिक्स नोटेशन एंड यूज द टर्मिनल 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 पर प्रेसिडेंस लेबल, ठीक है। तो जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि हमारे पास सिंटेक्स ऑफ एक्सप्रेशन, बेसिकली एक्सप्रेशन के सिंटेक्स की बात की गई है। सिंटेक्स ऑफ एक्सप्रेशन ये क्या होते हैं, इट इज अ टेबल। ऑब्वियसली वी नीड अ टेबल बिकॉज यदि आप कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हो ए प्लस बी इंटू सी, सो हाउ टू सॉल्व दिस वन। तो इसके लिए आई विल नीड प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी। सो यस, अ टेबल इज रिक्वायर्ड एंड ग्रामर फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है। एक तरीके से वी नीड ग्रामर फॉर दिस एक्सप्रेशन बिकॉज वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑपरेटर, इट शुड बी स्पेसिफाइड इन द ग्रामर। एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटन इन इनफिक्स, नो इट वुड बी इन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, पोस्टफिक्स भी हो सकते हैं। एंड यूज ऑफ टर्मिनल पर प्रेसिडेंस लेबल, नो यूज ऑफ ऑपरेटर्स डिपेंड्स ऑन द पर प्रेसिडेंस लेबल। सो ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिर्फ ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ऑपरेशन इन पॉइंटर। पॉइंटर के फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ पॉइंटर, सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो यस, हम यहाँ पर डीरेफरेंसिंग भी परफॉर्म करते हैं या हम एड्रेसिंग भी परफॉर्म करते हैं, है ना। तो व्हाट आर द इनडायरेक्ट, यहाँ क्या पूछा गया है, व्हाट आर द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ पॉइंटर। फंडामेंटल ऑपरेशन आपके होंगे इम्प्लिसिट डीरेफरेंसिंग, इन डायरेक्शन, यस, वन वेरिएबल कैन पॉइंट टू द अनदर वेरिएबल कैन पॉइंट टू द अनदर वेरिएबल एंड एक्सप्लिसिट रेफरेंसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। आंसर क्या मिलेगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग है ना, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, बट एड्रेसिंग इज नॉट द फंडामेंटल ऑपरेशन, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक सी प्रोग्राम गिवन है, ठीक है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लाइक यदि आप करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। इसमें क्या बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम फ्रेगमेंट इफ TPTR is not equal to null. यदि equal to null नहीं है तो भी TPTR में आपको null assign कर देना है, else में भी आपको same task perform करना है। मतलब ultimately there is no meaning of condition because ultimately आप कर क्या रहे हो, जो pointer variable है उसमें null value assign कर रहे हो, either it is true or it is false,
तो क्या होगा? इन्होंने कहा सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर हैविंग द सेम इफेक्ट. तो अगेन इफ टीपीटीआर, ठीक है, कंडीशन लगाया, नल असाइन किया, एल्स नल असाइन किया, क्या इसका सेम इम्पैक्ट होगा? तो यहाँ पर इक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी की बात करें, बिकॉज इन बोथ केसेस हम सिंपली नल असाइन कर रहे हैं, वट एवर इज द कंडीशन नल विल गेट असाइन. यहाँ सिंपली असाइनमेंट हो रहा है, यस इट इज, इट विल बी द सेम. अगेन नॉट लगा दिया इन्होंने और फिर नल असाइन किया, मतलब ये तो सिमिलर टू दिस वन हो गया. एंड इफ टी पी टी आर इक्वल टू करके भी लास्ट केस में इन्होंने क्या किया, इफ एल्स में टीपीटीआर में नल को असाइन किया. मतलब अल्टीमेट काम इन्होंने सिर्फ ये वाला किया है कि जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें नल को असाइन कर रहे हैं, नल को असाइन कर रहे हैं, वेदर कंडीशन ट्रू और इट इज फॉल्स. सो वॉट एवर इज द कंडीशन, हमारे सारे कोड सिमिलर परफॉर्म करेंगे. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा. विच प्रिवेंट द प्रोग्रामर फ्रॉम यूजिंग द प्रोग्राम कंपोनेंट इन इन अप्रोप्रिएट वे एंड बाय लिमिटिंग द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट इन विच अ गिवन कंपोनेंट कैन बी यूज, देयर बाय लिमिटिंग द पोर्शन दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन सर्चिंग फॉर द कॉज ऑफ बग. ठीक है, तो ये जो लिमिटेशन पोर्शन होता है, जिसको हमको हमेशा रेफर करना होता है व्हेन फॉर द बग, इट इज कॉल्ड द, ठीक है, इट इज कॉल्ड दी योर एक्सटेंशन. एक्सटेंशन जो वर्ड आया दैट इज फ्रॉम दी एक्सटेंट, है ना, या स्कोप. स्कोप आपको पता है, हम एक वेरिएबल का स्कोप डिफाइन करते हैं, एक ब्लॉक का स्कोप डिफाइन करते हैं. तो सिमिलर थिंग यहाँ पर आपने बोला कि लाइक विच प्रिवेंट द प्रोग्रामर फ्रॉम यूजिंग द प्रोग्राम कंपोनेंट इन इन अप्रोप्रिएट वे. ठीक है, ऐसा कौन सी चीज है जो इन अप्रोप्रिएट वे में हमारे प्रोग्राम को, कंपोनेंट को यूज करने से अवॉइड करेगी? बाय लिमिटिंग द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट विच इज गिविंग कंपोनेंट कैन बी यूज, लिमिटिंग द पोर्शन दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन सर्चिंग फॉर कॉज ऑफ बग. तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, द स्कोप ऑफ द वेरिएबल और स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड, है ना, एक्सटेंशन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25. द पॉइंटर टू द बेस क्लास आर कॉमनली यूज टू डिजाइन अ कंटेनर क्लास. ठीक है, हम क्या करते हैं ना, क्लास ये लिया, इफ इट इज अ बेस क्लास वी विल क्रिएट द पॉइंटर ऑफ बेस क्लास. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एपीटीआर. देन व्हाट वी विल डू ना, सच दैट सेट वेक्टर एंड द लिस्ट इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट. नाउ दिस पॉइंटर विल एग्जिस्ट विल yields होमोजीनियस लिस्ट, विल yields हेट्रोजीनियस लिस्ट, स्पेशल टाइप ऑफ सिक्योर वेरिएशन ऑफ हेट्रोजीनियस लिस्ट, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस लिस्ट बोथ. ठीक है, तो जब आप पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, जब आप पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, तो यस नाउ यू कैन क्रिएट एनी सब क्लास एंड इन दैट सब क्लास यू कैन हैव द वेरिएबल फॉर दी सब क्लास एंड देन इट विल यील्ड द रिजल्ट. और यहाँ पर जब आपको आप एक डेटाबेस तैयार, डेटा टाइप तैयार करोगे, यदि मैंने बोला लिस्ट के लिए डेटा टाइप है, तो जो लिस्ट है इट कुड बी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, बिकॉज इन्होंने क्या बोला, बेस क्लास का पॉइंटर का आपको यूज करना है, स्पेशल टाइप ऑफ सिक्योर वेरिएशन आप दे सकते हो और दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हो. तो ऑल, ठीक है, ऑल इज द आंसर. नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ फैमिली ऑफ फंक्शन इन द सेम वे अ क्लास टेम्पलेट डिफाइन अ फैमिली ऑफ क्लास, क्लास टेम्पलेट. ठीक है, देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ फैमिली ऑफ फंक्शन, क्या डिफाइन करना है, फैमिली ऑफ फंक्शन इन द सेम वे क्लास टेम्पलेट डिफाइन द फैमिली ऑफ क्लासेस. ये क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास टेम्पलेट, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपके पास होता है फंक्शन टेम्पलेट. एक किसका पार्ट है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, है ना, सी प्लस प्लस में जेनेरिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एचटीटीपी पर एक क्वेश्चन है, द स्टेटस लाइन ऑफ सर्वलेट, लाइक यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले होती है, विच कंटेन द एचटीटीपी वर्जन, एचटीटीपी वर्जन, अ स्टेटस कोड हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एंड अ शॉर्ट मैसेज द
करस्पॉन्डिंग टू द स्टेटस कोड इज एसोसिएटेड विद दैट, है ना। जैसे आप लोग अभी देखते हो 404 पेज नॉट फाउंड, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्टली सिग्निफाई द पर्पज ऑफ यूजिंग स्टेटस कोड। स्टेटस कोड का पर्पज क्या है, ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेटस कोड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन वन, ठीक है, जनरल मेथड फॉर सेटिंग द स्टेटस कोड इज सिंपली टू कॉल द रिस्पॉन्स सेट स्टेटस, रिस्पॉन्स सेट स्टेटस, यस, ठीक है। ये क्या है, इस कोड का सेटिंग द स्टेटस कोड इज सिंपली टू कॉल द रिस्पॉन्स सेट, जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसको आप सेट करते हो, जैसे मैंने बताया 404, तो ये रिस्पॉन्स सेट स्टेटस सेट करते हैं। सेटिंग स्टेटस कोड डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू डोंट नीड टू रिटर्न द डॉक्यूमेंट। स्टेटस कोड सेट करने का मीनिंग ये नहीं है कि अब आप डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं करोगे, नो, स्टिल यू हैव टू, लाइक जो भी सर्विस प्रोवाइडर है दैट विल हैव सम डॉक्यूमेंट टू बी रिटर्न, तो यस ये भी करेक्ट है। एंड इन द मोस्ट हेडर दे आर ऑप्शनल, इन द मोस्ट हेडर, ठीक है, तो ये ऑप्शनल नहीं होते हैं। Now they are more reliable to use constant define in HTTP server response, yes, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ये बेसिक डेफिनेशन है एक्चुअली। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द बीम पेनिट्रेशन, ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है। बीम पेनिट्रेशन, यदि हम कलर मॉनिटर्स की बात करें तो किस मॉनिटर में हम बीम पेनिट्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं, तो बीम पेनिट्रेशन टेक्निक आपकी यूज होती है रिफ्रेश कैथेड रोड व्यू, रैंडम रास्टर डायरेक्ट व्यू। सो डायरेक्ट व्यू में इनका अपना स्टोरेज होता है, रैंडम स्कैन मॉनिटर में आप यूज करते हो बीम पेनिट्रेशन टेक्निक, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ इन जनरल पाइवट पॉइंट रोटेशन मतलब कि मेरे को एक रोटेशन परफॉर्म करना है, बट इट इज अबाउट दिस पॉइंट, नॉट अबाउट द ओरिजन। तो कैसे करते हैं, तो भाई मैंने आपको सिखाया है, फॉर सच काइंड ऑफ रोटेशन सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, है ना, सबसे पहले ट्रांसलेट करके कहाँ लेकर आएंगे, ओरिजन पर। तो पहले क्या परफॉर्म होगा, ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन क्या होगा, वी विल परफॉर्म द रोटेशन, एंड रोटेशन के बाद वापस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे, है ना। तो ये चीज कैसे होती है, ट्रांसलेशन रोटेशन ट्रांसलेशन, राइट टू लेफ्ट हम रीड करते हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक टेबल यूज टू रिप्रेजेंट द पॉलीगॉन सर्फेस। सो पॉलीगॉन सर्फेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी हैव पॉलीगॉन टेबल, लाइक यू कैन सी कि ये आपका एक पॉलीगॉन सरफेस है और इट हैव द मल्टीपल पॉलीगॉन, इसको P1 नाम दे देते हो, P2, P3, सो वी विल हैव पॉलीगॉन सरफेस टेबल। जो भी वर्टेक्स है इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास होते हैं वर्टेक्स टेबल, एंड ठीक है वर्टेक्स टेबल, एंड टू मैनेज द एजेस वी नीड एज टेबल, बट देर इज नथिंग लाइक द पॉइंट टेबल, वहां पर पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं होता है, ओके okay? चलिए, तो ये आपका यूनिट 3 के क्वेश्चन थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4, दैट इज योर डीबीएमएस। डीबीएमएस का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिलेशनल एलजेब्रा, है ना। तो रिलेशनल एलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, रिलेशनल एलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ सेकंड, नेचुरल ज्वाइन इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल एलजेब्रा, द सिंबल सिग्मा इज यूज्ड टू सेलेक्ट द ऑपरेशन इन रिलेशनल एलजेब्रा, इन रिलेशनल एलजेब्रा फॉर सेलेक्ट ऑपरेशन प्रेडिकेट अपीयर्स इन द सबस्क्रिप्ट। तो यस इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन इज नॉट अ फंडामेंटल ऑपरेशन, जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं उसको याद रखिए, वी हैव सेलेक्ट ऑपरेशन, वी हैव प्रोजेक्ट ऑपरेशन, वी हैव यूनियन, उसके बाद आपका आता है सेट डिफरेंस, देन यू हैव कार्शियन प्रोडक्ट एंड रीनेम, ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल ऑपरेशन है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट यूनियन सेट डिफरेंस कार्शियन प्रोडक्ट एंड रीनेम, ठीक है एंड रीनेम। नेक्स्ट यू हैव द सिंबल,
एक सेकेंड ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर करिएगा। ए यस इज सेलेक्ट सिंबल है एंड द रिलेशनल एलजेब्रा फॉर सेलेक्ट ऑपरेशन प्रेडिकेट अपीयर्स इन सबस्क्रिप्ट। यस आप इस तरीके से लिखते हैं, सेलेक्ट देन प्रेडिकेट एंड देन द टेबल। तो यस आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 32। अभी आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द वीक एंटिटी। द वीक एंटिटी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वीक एंटिटी, ये ट्रू है। वीक एंटिटी डज नॉट हैव द प्राइमरी की इट्स ओन। यस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट ऑफ वीक एंटिटी आर ड्राइड फ्रॉम द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एट्रीब्यूट नहीं, की ऑफ वीक एंटिटी, की ऑफ वीक एंटिटी आर ड्राइव फ्रॉम द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी बट नॉट एट्रीब्यूट। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन एंड टू। आंसर ओनली वन एंड टू इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट अ डेटाबेस इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। तो इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन आप कैसे देखते हो, द थर्ड नॉर्मल फॉर्म द रिलेशन शुड बी इन टू एन एफ एंड नो ट्रांजिटिविटी शुड बी देयर। टू एन एफ की डेफिनेशन आप कैसे देते हो, द रिलेशन शुड बी इन वन एन एफ एंड नो पार्शियल डिपेंडेंसी शुड बी देयर। वन एन एफ में आप क्या बोलते हो, नो एटोमिक, सॉरी ओनली एटोमिक वैल्यू शुड बी देयर। तो कन्वर्टिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट इन टू द इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, रिमूवल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ देखिए कन्वर्जन किया तो ये वन एन एफ में आ जाएगा, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव की तो टू एन एफ में आ गया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव किया तो थ्री एन एफ बन गया। तो स्टेप्स क्या हो जाएगी, वन टू थ्री ऑल, वन टू थ्री ऑल, है ना। दिस आंसर शुड बी डी। नाउ डेटाबेस कंटेनिंग द रिलेशन रोल नंबर नेम एंड द मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट क्वेरी। कौन सा क्वेरी इनकरेक्ट है। वेल इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया, है ना, इसको कैंसिल कर दिया गया। देखिए सिलेक्ट, ये भी क्वेरी वैलिड है, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम वेयर मार्क्स इज बिटवीन दिस एंड दिस। नाउ सेकेंड वन वेयर द मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड लेस देन इज दिस, ओके। थर्ड वन वेन मार्क्स इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 80 इज ओके। सेलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट वेन मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड रोल नंबर इज लेस देन 80। तो यहाँ कोई बिटवीन तो यूज किया नहीं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, डी आपका आंसर, डी भी करेक्ट आंसर है। सो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज ऑल आर वैलिड। नाउ सी विच कमांड इज यूज टू रिमूव द रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस। दिस इज द क्विज ऑफ द डे, है ना, इसको आप मस्ट आंसर करें। क्विज ऑफ द डे, व्हाई आई एम गिविंग द क्विज ऑफ द डे, बिकॉज आई वांट टू नो हु इज लर्निंग, कि कौन पढ़ रहा है। नाउ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अ ट्रिगर कैन फायर। नाउ व्हाट इज ट्रिगर। ट्रिगर इज एक्शन दैट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, है ना, दैट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। लेकिन ऑटोमेटिकली भी कब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन द सर्टेन कंडीशन ऑकर्स। ठीक है, जब सर्टेन कंडीशन ऑकर होती है। सो लाइक इफ यू विल परफॉर्म सेलेक्ट, सेलेक्ट में क्या है, आप डेटा फैच कर रहे हो, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। बट इफ यू आर अपडेटिंग डेटा, इफ यू आर डिलीटिंग सम डेटा और इंसर्टिंग न्यू डेटा, इट मे ट्रिगर टू बी फायर्ड। सो यस इट मे गेट ट्रिगर्ड टू बी फायर्ड। सो 36 का आंसर बनेगा 2, 3 एंड 4। 36 का आंसर क्या बनेगा, 2, 3 एंड 4। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। डायमेंशन टेबल आर द स्टार स्कीमा मॉडल आर ब्रॉड टू नॉर्मलाइज फ्रॉम टू रिडंडेंसी, है ना। ये आपका डेटा माइनिंग का क्वेश्चन है, डेटा वेयर हाउस का। बेसिकली डेटा वेयर हाउस में जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वेयर हाउस का, उसके लिए हम
स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा का यूज करते हैं। तो उसमें जो डायमेंशन टेबल है इनको रिड्यूस कर दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। बेसिकली जो जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ डायमेंशन टेबल इज परफॉर्म इन स्नोफ्लेक स्कीमा, नॉट इन स्टार स्कीमा। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है बट स्नोफ्लेक स्कीमा में किया जाता है, ना कि स्टार में। सो इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्नोफ्लेक स्ट्रक्चर कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्राउजिंग सिंस मोर ज्वाइंस आर नीडेड। यस, क्योंकि अब आपने नॉर्मलाइजेशन किया तो टेबल स्प्लिट हो जाएगा, और जब आप डेटा फैच करोगे तो आई हैव टू ज्वाइन देम बैक, है ना, इनको ज्वाइन करना पड़ता है। सो दिस वन इज ट्रू। तो यहाँ क्या पूछा गया, ट्रू कौन सा है, ओनली टू। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्डिनल नंबर्स या ऑर्डिनल वेरिएबल। देखिए, ऑर्डिनल वेरिएबल्स, जैसे आप लोग नंबर्स की भी बात करते हैं तो ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होते हैं या नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली सम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ डिग्री, है ना, सम काइंड ऑफ डिग्री, सम काइंड ऑफ ऑर्डरनेस, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनल वेरिएबल। तो एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप, इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। पैन बॉल टी में कोई ऑर्डर नहीं होता, बट यस, ब्रांच मैनेजर, देन उनके बाद होता है डिप्टी मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, यस, वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्डरिंग इज देयर। सो दिस इज वॉट ऑर्डर, ऑर्डिनल वेरिएबल, ये ऑर्डिनल वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द डिफॉल्ट हडूप डी एफ एस ब्लॉक। तो डिफॉल्ट जो साइज होती है वो 64 होती है, बट प्रैक्टिकली जो लोग यूज करते हैं दैट इज 128 MB। ठीक है, उन्होंने जो डिफाइन किया है डिफॉल्ट वो 64 MB ब्लॉक साइज डिफाइन किया है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में 128 यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये बात आ गई नो एसक्यूएल की। नो एसक्यूएल, डॉक्यूमेंट कैन कंटेन मैनी डिफरेंट की वैल्यू पेयर की अरे पेयर बट नॉट नेस्टेड डॉक्यूमेंट। कहते डॉक्यूमेंट टाइप का डेटाबेस है, सो इट विल कंटेन द डॉक्यूमेंट। इन्होंने लिख दिया नॉट नेस्टेड डॉक्यूमेंट, तो ये फॉल्स होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। मोंगो डीबी वॉज ऑफिशियल ड्राइवर फॉर द वराइटी ऑफ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, ये ट्रू है ना। एंड वेन कंपेयर टू द रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस आर मोर स्केलेबल एंड प्रोवाइड द सुपीरियर परफॉर्मेंस। यस, बिकॉज इट कैन वर्क विद द कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। सो दिस इज टूडेज सेशन, आई होप इट इज हेल्पफुल। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट, क्विज का आंसर करिएगा कमेंट में, ठीक है। क्विज आपका ये है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव द रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम टेकिंग सेपरेट सेशन बिकॉज यहाँ न्यूमेरिकल होते हैं, है ना। सो यस, इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज शेयर करें, प्लीज लाइक करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू एवरी वन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।